नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। आरजेडी ने मॉनसून सेशन का बहिष्कार कर दिया। हमारे साथ बात करने के लिए मुकेश रोशन समेत आरजेडी के कई विधायक होंगे। आप लोगों ने बहिष्कार कर दिया, लेकिन नुकसान तो जनता का होगा ना? जब विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा तो सदन में रहने से क्या फ़ायदा? जब विपक्ष का कोई सुनने वाला नहीं है, जो माननीय अध्यक्ष हैं उनको कई बार हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने कहा कि बहस कराइए, लेकिन वो बहस को तैयार नहीं है। पता नहीं क्यों नीतीश कुमार जी के दबाव में वो सदन को ज़बरदस्ती चला रहे हैं। बहस होनी चाहिए, बेरोजगारी पे बहस होनी चाहिए, महंगाई पे बहस होनी चाहिए, आरक्षण पर होना चाहिए, जातिगत जनगणना पर होना चाहिए, और जो सबसे बड़ा मुद्दा है विधायकों का अपमान, जो 23 मार्च को जो लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र का हत्या कराया गया था, उसका जांच होना चाहिए। जो भी दोषी पदाधिकारी हैं उस पर कार्रवाई होना चाहिए। स्कूल नहीं है, स्कूल है तो शिक्षक नहीं है, अस्पताल है, अस्पताल है तो उसमें बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, डॉक्टर नहीं है, पैरामेडिकल नर्सेज नहीं है, स्टाफ नहीं है, कैसे चलेगा भाई राजपाट? 20 साल से आप राजपाट चला रहे हैं। क्या कहेंगे आप लोगों ने बहिष्कार तो कर दिया, लेकिन इससे सरकार चेतेगी? आप लोग ये बातें मानेंगे? चेतना चाहिए सरकार को, अगर नहीं चेतेगी तो अकेले चलाएंगे। अध्यक्ष जी को हम लोग बोल के आए तो ठीक है, आप अकेले चलाइए, ये तो ऐसी नहीं चलेगी ना लोकतंत्र में। सबको लोकतंत्र में, आप अध्यक्ष हैं तो सारे लोग को मैंने ले करके चलना होगा। विपक्ष को भी आपका संरक्षण चाहिए, इन संरक्षण दे नहीं रहे हैं। ये चुपचाप जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं बस उसी पे हैं, उनके इशारा पे चलाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के इशारा पर चलाया जा रहा है, ये किस तरह का भाई सेशन चल रहा है? सत्र में सभी जो विधायक हैं, माननीय विधायक, उनका बात को अगर जो रखते हैं उसकी सुनना चाहिए, नहीं सुन रहे हैं लोग, जबरदस्ती घिंचातरी कर रहे हैं लोग। सदन के अंदर ऐसी स्थिति है तो आप सोच सकते हैं जनप्रतिनिधियों का सदन के बाहर बाहर क्या होता होगा, बाहर कितनी प्रशासन सुनती होगी या विभाग सुनता होगा, आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए। बहस होनी चाहिए, बेरोजगारी पे बहस होनी चाहिए, महंगाई पे बहस होनी चाहिए, आरक्षण पर होना चाहिए, जातिगत जनगणना पर होना चाहिए, और जो सबसे बड़ा मुद्दा है विधायकों का अपमान, जो 23 मार्च को जो लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र का हत्या कराया गया था, उसका जांच होना चाहिए। जो भी दोषी पदाधिकारी हैं उस पर कार्रवाई होना चाहिए। स्कूल नहीं है, स्कूल कहें तो आप बिहार का मॉनसून सत्र चल रहा है, लेकिन आरजेडी ने जिस तरीके से बॉयकॉट कर दिया है, तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि वो सत्र में हिस्सा तब तक नहीं लेंगे जब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी, जिस तरीके से बीते सत्र में पिटाई की गई थी विधायकों की, उसको लेकर। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन।